हे गाइस, वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। तो कैसे हैं आप लोग? और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और इतना सपोर्ट किया, और ये आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से ही हो पाया है कि मेरे 1K सब्सक्राइबर और 4000 वाच घंटे का जो टाइम है वो मैंने पूरा कर लिया है, वो भी पूरे 1 ईयर में कंप्लीट किया है। और मैं भी आप लोगों के साथ पूरी वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, किस तरह से मैंने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट किए, 4000 वाच घंटे कंप्लीट किए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो अभी मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाली हूँ कि मैंने चैनल कब शुरू किया था और कब से लेकर कब तक मुझे 1000 सब्सक्राइबर मिले और 4000 वाच घंटे मैंने किस तरह से पूरे किए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने पिछले जुलाई के यानी 2021 में मैंने जुलाई में चैनल स्टार्ट किया था, और इस टाइम 2022 है, जुलाई का ही महीना है, तो मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो जब मैंने चैनल की शुरुआत की थी जुलाई में, तो मैंने हल्के में ही ली थी, एक वीडियो डाली, कभी 2 से 3 दिन में फिर एक वीडियो डाली। इसी तरह से मैं रोज़ाना वीडियो डालती रही, हालांकि मेरी जो वीडियो है इस चैनल में कम ही है, 154 के लगभग शायद इतनी वीडियो है मेरी। और तो मैं रोज़ाना डालती थी, मतलब मैंने इस चैनल को अपने कभी भी इतने डीपली इतनी गहराई से नहीं लिया, मतलब हल्के में ही लिया, कभी एक डाल दी, कभी 3 दिन में डाल दी, कभी टाइम लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे होंगे। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि मेरा इससे भी पहले एक चैनल था, वो है भी अभी भी है, वो है उत्तराखंडी ब्लॉगर मीनाक्षी मेहर, और उसमें मैंने 300 से ज़्यादा वीडियो मैंने उसमें डाली है। जब आप कभी सर्च करो मीनाक्षी मेहर या उत्तराखंडी ब्लॉगर मीनाक्षी मेहर, तब आपको पता चलेगा मैंने उसमें कितनी वीडियो डाली है। तो एक तरफ से जोश था मेरे अंदर, जब हम नए नए कोई भी काम करते ना तो बहुत ज़्यादा जोश रहता है कि जब तक वो काम हुआ नहीं ना तो मन ये रहता है कि चलो करते जाओ करते जाओ। तो ऐसे ही कुछ मैंने उस चैनल में भी किया था। जब मैंने वो चैनल बनाया था, यानी कि लॉकडाउन में मैंने शुरुआत की थी चैनल की, तो मैंने कम से कम 1.5 साल तक उसमें मेहनत की। मैंने उसमें पर डे एक वीडियो डाली थी, जबकि मेरी बेटी उस टाइम बिल्कुल छोटी थी, नहीं बेटी भी नहीं हुई थी उस टाइम पे, अभी मेरी बेटी 1.5 साल की है, और उस टाइम मेरी डिलीवरी भी नहीं हुई थी, मैंने उससे पहले वो चैनल शुरुआत कर ली थी। तो कम से कम मैंने 1.5 साल तक उसमें मेहनत की थी, रोज़ाना वीडियो डाली थी, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जब मैंने चैनल बना लिया था, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चैनल जब बना लेते हैं तो उसके बाद अपने जो चैनल को वो शेयर करते हैं, फेसबुक में शेयर करते हैं, व्हाट्सअप में शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम में शेयर करते हैं, अपने आस पड़ोस दीदी बहनों सबको बताते हैं कि मैंने ये चैनल बनाया है, इसको देखो। तो यही गलती मैंने भी की, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और सच में मैं औरों की बात तो नहीं जानती, लेकिन रियलिटी जो मैं बता रही हूँ ना, मेरे साथ जो हुआ है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चैनल जब मैंने शेयर किया बताया, तो ठीक है मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो तो लगभग कंप्लीट हो ही रहे थे, धीरे धीरे हो ही जाएंगे, लेकिन जो वॉच टाइम है वो मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि सब्सक्राइबर तो फिर भी हम कंप्लीट कर ही लेते हैं, जैसे ना कैसे किसी के मोबाइल से करा लिया या किसी को बोल के करा लिया, लेकिन मेन होता है वॉच टाइम। वॉच टाइम मुझे नहीं मिला, क्योंकि अपने जितने भी रिलेटिव होते हैं वो हमें पूरा का पूरा वॉच टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अगर हम किसी को रोज़ाना बोलते हैं, रोज़ाना शेयर करते हैं, तो वो बंदा कितना हमारी वीडियो देखेगा, एक दिन देखेगा, दो दिन देखेगा, तीसरे दिन वो बोलेगा ही, इसका तो रोज़ का ही काम है, रोज़ का ही करती है, तो फिर वो हमारा जो वॉच टाइम है ना वो डाउन होता चला जाएगा, क्योंकि 1 मिनट अगर उसने देख ली और उसे नहीं पसंद आई तो उसने क्या किया, कट कर दिया। तो यही कारण होता था जिससे कि हमारा जो वॉच टाइम है वो डाउन होता जाता था। तो इसलिए मेरे को कभी भी वॉच टाइम उसमें अच्छा नहीं मिला। तो 1.5 साल जब मैंने उसमें कड़ी मेहनत की, मैंने देखा ना इसका कुछ रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है ना कुछ आ रहा है, तो फिर मैंने दूसरा चैनल बनाया, 2021 में बनाया था मैंने चैनल, ये वाला जुलाई में। तो उसमें मैंने इसमें मैंने हल्के में ही लिया, मैंने कहा उस चैनल में तो कुछ हुआ नहीं, चलो इसमें देखते हैं क्या होता है। तो कभी मैंने एक बना दी, कभी 3 दिन में बना दी, जैसा मुझे टाइम लगता था, क्योंकि बेटी भी छोटी थी और बेटी के साथ नहीं हो पाता था, तो कभी कभी मैंने हल्के में ही लेके चला। तो अभी जब मैंने जुलाई तक इसमें वीडियो कम से कम 100 कुछ से ज़्यादा, यानी 159-160 के लगभग मैंने इसमें वीडियो डाल दी है, और शायद इतनी हो या 154 इतनी है, मुझे लगभग पता नहीं है, लेकिन इतनी मैंने इसमें वीडियो डाल दी है। और लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स है मुझे अच्छा मिला है, और इसमें मेरे मैंने इसको कभी किसी को साथ ना शेयर किया, ना मैंने किसी को बताया अपने रिलेटिव को, बस मैंने चैनल बना दिया था और इसके बाद मैं रोज़ाना इसमें वीडियो डालती रहती थी।